हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। एक और डेली व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। एंड अभी सुबह का टाइम हो रखा, सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास। एंड गर्मी बहुत ही भयंकर खतरनाक धूप पड़ रही है। एंड गायों को अपने शेड के अंदर कर रखा है और आगे की साइड में हमने तिरपाल इसलिए लगा दिया क्योंकि धूप सामने से आ रही ना, इधर अपने सूर्य देवता रहे तो गर्मी अंदर तक जाती, मतलब धूप, तो गायों को दिक्कत होती है, इस वजह से आगे तिरपाल लगा दिया। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी जो लड्डू बच्चिया है ये गाभिन हो गई, गाभिन मतलब प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं है। तो अभी लड्डू प्रेग्नेंट नहीं हुई है, अभी जो टारजी है, टारजी को हमने प्रेग्नेंट करवा दिया है क्योंकि टारजी लड्डू से लगभग 4 से 5 महीने बड़ी है, तो लड्डू का मतलब नंबर आएगा 4 से 5 महीने के बाद में। बाकी इधर अपने सतपाल भाई साहब फार्म पर झाड़ू वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग। इधर ही एडवांस में हमने बालू मिट्टी डाल के रखी हुई है ताकि कभी भी ऐसे बारिश वगैरह हो जाती है तो कभी भी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है ना अपने, क्योंकि बारिश में बाहर के साइड में अंडे अंदर की साइड में कीचड़ वगैरह हो जाता है पानी की वजह से, तो एडवांस में मिट्टी डाल दी सूखी मिट्टी, तो ये अपन यूज में ले लेते हैं। बाकी इधर ही गायों के लिए पंखा लगा दिया, यहाँ से सभी गायों को हवा लगती रहती है, स्पेशली जो अपना छोटा बेबी है इसको। हेलो बच्चा, ये बोले कि डोंट टच मी। कुछ दिन पहले अपन ने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था ना कि अपनी जो 5 लीटर वाली स्टील कैन रहती है उसके बॉक्स मैंने ऑर्डर दिए हैं। एंड आज उसके मेरे पास कुछ सैंपल बन के आए हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। इधर ये देखिए आप लोग, ये कुछ मेरे पास ये कल ही पहुँचे, मतलब 5 बॉक्स के सैंपल आए हैं इस टाइप के, और ये इस टाइप के ये बॉक्स रहेंगे, ऐसे सैंपल बॉक्स है, मतलब इसके अंदर स्टील कैन आ जाएगी ये इस टाइप से। एंड ये वाइट कलर का बॉक्स है और फाइनल पैकिंग इस टाइप से हो जाएगी इनकी। ये देखिए मैंने इसमें एक 5 लीटर वाली कैन पैक कर रखी है और काफ़ी मतलब सुंदर दिख रही है पैकिंग भी, और पैकिंग भी मतलब पूरा प्रोफेशनल लग रही है। इससे पहले हम जो 5 लीटर वाली स्टील कैन पैक करते थे वो ऐसे जुगाड़ उगाड़ लगा के पैकिंग करते थे, बट ये देखो एकदम शानदार पूरा प्रोफेशनल लग रही है। और इसका पैकिंग के साथ वेट बन जाता है, जैसे 5 लीटर तो कैन में घी आ जाएगा और बाकी जो खाली स्टील कैन रहती ना इसका ये प्रोक्सी मान के चलिए 1 kg वेट रहता है एंड बाकी थोड़ा बहुत वेट इस बॉक्स में रहता है, तो ऐसे करके लगभग 6, 6.5 या 7 किलो के आसपास वेट बन जाता है। एग्जैक्ट मैंने तोला नहीं बट आइडिया से बता रहा हूँ आपको, तो आप भी कमेंट करके बताना कि पैकिंग कैसी है। और बाकी जो अपने बॉक्स ना, जैसे घी वगैरह अपन पैक करते हैं तो उनके जो बॉक्स रहेंगे वो भी व्हाइट कलर के आने वाले हैं। पहले मैंने बताया था कि अपन ने दिल्ली ऑर्डर दिया बट दिल्ली वालों ने ऑर्डर लिया, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया कि सर हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा 15 से 20 दिन का, तो इतना मैं वेट कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ था। फिर वापस मैंने जहाँ से स्टील कैन के बॉक्स बनाए हैं उन्हीं को मैंने इसके बॉक्स के भी ऑर्डर दिए, उनको मैंने 1000 बॉक्स बनवाने के ऑर्डर दिए हैं, ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी नहीं है, यानी कि लगभग 700 बॉक्स तो 1 लीटर वाले बन जाएंगे और 300 बॉक्स जो 1.5 लीटर वाले जार रहते हैं उनके, क्योंकि मैंने बताया ना अपने पास मोस्टली 1 लीटर वाले जार के ऑर्डर रहते हैं। एंड बाकी इधर ये देखिए आप लोग, अपने पास थोड़े से अचार के ऑर्डर हैं। अभी अचार हमने हमारी प्रोडक्ट लिस्ट से हटा दिया है, ये गाजर का अचार है बट हमने बना के रखा था, तो अपने एक रेगुलर कस्टमर है वो बोले कि यार फैन हो गया आपके अचार के, हमको कुछ भी करो लेकिन हमको अचार चाहिए, कहाँ से भी ला के दो आपका अचार चाहिए हमको। तो भाई हमारे पास रखा हुआ था 8 से 10 किलो, तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसमें से 4 किलो उनको भिजवा देते हैं। एक क्वेश्चन को लेकर मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी रहते हैं एंड कुछ लोग डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप करके पूछते हैं कि जब आपके पास प्रोडक्शन की कमी रहती है और एंड ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, ऑर्डर कैंसिल करते हैं या क्या करते हैं। तो देखो ऐसा नहीं रहता है, मेरे पास 2 टाइप के ऑर्डर रहते हैं, एक तो रिटेल में एंड दूसरा बल्क में। रिटेल में मतलब जैसे किसी को 0.5 किलो घी चाहिए, 1 किलो घी या 5 किलो घी ऐसा कुछ रहता है, और मेरा 100% काम इसी टाइप का रहता है, मतलब टोटल रिटेल का ही। एंड दूसरा सीन रहता है बल्क का, बल्क का मतलब कुछ लोग कॉल करके बोलते हैं कि हमको 20 किलो 50 किलो या 100 किलो या 200 किलो घी चाहिए रीसेल करने के लिए या वाइट लेबलिंग या मतलब किसी कोई भी उनका पर्पज रहता है उसके लिए उनको बल्क क्वान्टिटी में घी चाहिए। तो देखो ऐसा सीन है, बल्क में अपन ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लेते क्योंकि बल्क का बहुत सारा झंझट रहता है। ये बिजनेस वही कर सकता है जिसको इस मतलब बिजनेस की पूरी नॉलेज रहती है, क्योंकि एक तो इसमें टर्म एंड कंडीशन बहुत सारी रहती हैं, दूसरा इसमें पेमेंट का सबसे बड़ा झंझट रहता है, पेमेंट टाइम पे नहीं आती। एंड दूसरा लोग मतलब आपके मन में क्वेश्चन भी रहता है कि जब मतलब अपने पास घी के ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं रिटेल में भी तो क्या करते हैं, तो देखो मोस्टली काम अपना इन गायों से चल जाता है, बाकी कभी इनसे काम नहीं चलता, ऑर्डर ज़्यादा आ भी जाते हैं तो अपन क्या करते हैं अपने गाँव से रेगुलर बेस पर जो देसी गायें हैं मतलब A2 cow उनका मिल्क कलेक्ट करवा लेते हैं, और उसका भी मैं कभी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कौन कौन सी गायें हैं किस टाइप से हम कलेक्ट करते हैं गिरा वगैरह, क्योंकि मेरे पास इसके लिए बहुत टाइम से डिमांड आ रही है, बहुत सारे लोग कमेंट को भी करते हैं गिरा वगैरह, तो बनाऊंगा वीडियो, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए इसके लिए, पूरा एकदम टोटल डिटेल के साथ वीडियो आएगा वो।
बाकी अभी गायों को पानी पिलाया जा रहा है। अभी मैं आपको हमारे सबसे दूर वाले खेत में लेके आया हूँ। मैंने बताया था ना, हमारे पास टोटल 4 खेत हैं। 2 खेत तो घर के जस्ट बगल में ही हैं एंड 2 खेत थोड़ा सा मतलब घर से दूर पड़ते हैं, एंड ये सबसे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दूरी पे है। हालांकि इतना ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है, होगा घर से अप्रोक्स 6-7-8 किलोमीटर से कुछ। एंड अभी देखिए ये पूरा खेत खाली है, कुछ भी नहीं लगा रखा क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो मतलब कुछ लगाने को तुक भी नहीं है। और इससे पिछला जो सीज़न गया था मतलब सर्दी वाला सीज़न, उस सीज़न में हमने इसमें चने लगा रखे थे, अच्छे खासे चने बने थे अपने। एंड अभी जब इसमें बारिश हो जाएगी यहाँ पे तो बारिश में लगाएंगे अपन बाजरा, अगर बाजरा नहीं तो फिर मूंग लगाएंगे। मतलब 80% चांसेस तो अपन मतलब रहता है कि बाजरा लगाते हैं, देसी वाला बाजरा। एंड इधर देखिए पूरा मतलब रेगिस्तान वाली फील आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पानी का कोई भी जुगाड़ नहीं है आसपास में। अपने आसपास के इधर जितने भी खेत हैं किसी में भी कोई भी मतलब बोरवेल वगैरह कुछ नहीं है, अपना खेत भी ऐसे ही खाली रहता है। अगर बारिश होती है तो ही मतलब कुछ होता है, अदरवाइज मतलब पूरा ऐसे खाली रहेगा। एंड ये खेत होगा अपने पास अप्रोक्स 2 एकड़ से मतलब कम ही पड़ता है, मतलब उसके नए बाएँ मान के चलिए। और बाकी खेत में ऐसे जुताई करके छोड़ रखा है ताकि जब भी बारिश होगी तो अपने को खेत बिल्कुल रेडी मिलेगा। एंड आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय। एंड इधर अपनी ये बाइक रही।